जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार यानी खुशियों का त्यौहार जो है वो होता है बसंत पंचमी का त्यौहार। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्यौहार, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। इस दिन लोग माँ से विद्या और वाक पटुता की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी जो बसंत ऋतु में मनाई जाती है, बसंत जो है वो प्रेम का हर्ष उल्लास का समय होता है। दोस्तों, वस्तुतः इसे भारत का वैलेंटाइन डे भी कहते हैं। ये दिन प्रेम दोस्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती के साथ कामदेव और रति की पूजा करने से प्रेम में सफलता मिलती, सच्चा प्यार मिलता है और शादीशुदा लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के विशेष पूजन से कटु वाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जहां पर ज्ञान होता है वहां पर सफलता होती है। और दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि जो इस दिन जो छोटे छोटे सिंपल सिंपल उपाय किए जाते हैं, सिंपल पूजा की जाती है, उससे माँ सरस्वती बहुत अधिक प्रसन्न होती है। साथ दोस्तों, कुछ चीजें होती है जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी चीजों के बारे में जो हमें इस दिन करना चाहिए और वो चीजें, वो गलतियां जो हमें भूल से भी नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है। साथ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर डालेगा और साथ ही कमेंट में लिख दीजिएगा जय माँ सरस्वती, ताकि दोस्तों माँ सरस्वती की कृपा आपके पूरे पूरे परिवार को मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं उन सभी बातों के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार जो वैसे देखा जाए तो विद्यार्थियों के जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और सही और सीधे शब्दों में समझा जाए तो संसार के सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए, कि हम सभी विद्यार्थी, क्योंकि जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सिखाता है और ये सीख अच्छी रहे, बुद्धि अच्छी रहे, इसी के लिए हमें माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो सरस्वती देवी की महिमा से, उनकी कृपा से मंद बुद्धि भी महान विद्वान बना सकता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल चढ़ाकर देवी सरस्वती को श्वेत वस्त्र पहनाकर या अर्पण करना चाहिए और इस दिन माँ सरस्वती को आपने पीले फूल अर्पित करने चाहिए, हो सके तो कमल का फूल चढ़ाना चाहिए और मालपुए, खीर या पीले व्यंजन का जो है आपको माँ सरस्वती को भोग लगाना चाहिए। माँ सरस्वती के जो मंत्र है उनका जाप करना चाहिए, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम महा सरस्वत्यै नमः या फिर ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला जो वो आपने अवश्य ही जाप करनी चाहिए। दोस्तों, इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, बूंदी के लड्डू, बूंदी का प्रसाद यानी कि येलो चीजें जो है उनका भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अध्ययन में, पढ़ाई में सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती पर हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी से अपनी पुस्तक पर आपने एम लिखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है वो आप पर पड़ेगा। और दोस्तों, इस दिन आपने कटु वाणी से मुक्ति पाने के लिए, वाणी में मधुरता लाने के लिए देवी सरस्वती माँ को चढ़ाए हुए शहद को नित्य यानी कि रोज सुबह सबसे पहले उठकर आपने चखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से वाणी की कटुता जो है दूर होती है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी असाध्य कार्य को पूरा करने हेतु देवी सरस्वती पर मोर पंख चढ़ाकर उस मोर पंख को तिजोरी में छुपाकर रख देना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय से कोई भी ऐसा कार्य नहीं
है जो असाध्य है, जो असंभव है, ऐसा करने से असाध्य कार्य भी संभव हो जाता है। तो आपने जरूर से माँ सरस्वती के चरणों में मोर पंख अर्पित करना है और फिर उस मोर पंख को अपनी अलमारी में रख देना है और बसंत पंचमी के दिन अपने मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों वैसे डेली जो तिलक लगाते हैं उनका मन शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, वो शांत दिमाग से डिसीजन लेने में कामयाब हो पाते हैं। इसलिए रोज सुबह चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, उस बसंत पंचमी के दिन तो आपने अवश्य ही लगाना चाहिए। और बसंत पंचमी के दिन मोर का एक अपने पास रखिए, इस दिन इसे अपने पास रखने से स्कूल कॉलेज में उस विद्यार्थी का मान सम्मान बढ़ता है। और बसंत पंचमी के दिन सिद्ध अष्ट सरस्वती यंत्र गले में धारण करने से विद्यार्थी विद्या बुद्धि में अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। यानी जिन्हें विद्या अर्जन करने में तकलीफ है या जिनकी मेमोरी शार्प नहीं है, उन्हें इस सिद्ध अष्ट सरस्वती यंत्र को अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, उनकी बुद्धि अत्यंत तेजस्वी हो जाएगी। दोस्तों बसंत पंचमी का दिन गहने, कपड़े, वाहन, नई चीजों को खरीदने के लिए सबसे शुभ माना गया हो, इस दिन यथा संभव किसी गरीब को दान करें। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को दान करें, लेकिन किसी जरूरतमंद को अवश्य ही दान करें। दोस्तों इस दिन मंदिरों में सरस्वती देवी के साथ साथ राधा कृष्ण भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन भी आपने जरूर से करने चाहिए। और दोस्तों जिन्हें प्रेम में सफलता नहीं मिल रही हो, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन किसी भी कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान का अर्पण करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रेम में सफलता हासिल होती है। और इस दिन किसी भी धार्मिक स्थल में अपने प्रेम की सफलता के लिए फूल व इत्र चढ़ाना चाहिए। दोस्तों भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर या उनकी मूर्ति या फोटो के सम्मुख पीला प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके बाद कम से कम 7 गुरुवार तक लगातार इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो है प्राप्त होती है। सांसारिक सुखों के लिए, किसी भी मंतव्य के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको बसंत पंचमी से शुरू कर आपने कम से कम 7 गुरुवार तक इस उपाय को करना है। दोस्तों 7 गुरुवार कंप्लीट होने के साथ साथ आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई दे जाएगा। साथ दोस्तों बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें, कन्याओं को पीली चूड़ियां धारण करें, और जो विवाहित है, शादीशुदा है, उन्हें लाल और पीली चूड़ियां मिक्स करके इस दिन पहनना चाहिए। साथ ही पीले वस्त्र, पीले आभूषण भी पहनना शुभ माना जाता है। इसलिए लोग दोस्तों इस दिन कन्याएं आभूषण की जगह पीले फूल, पीले आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी धारण करती हैं और आज के दिन अपने प्रियतम को पीले फूल, लाल गुलाब जो है वो देना चाहिए। लेकिन साथ ही दोस्तों ध्यान रखें, जब भी गुलाब किसी को दें तो कांटा निकाल के दें। इसके साथ ही अच्छी चॉकलेट्स इत्यादि भी गिफ्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन अगर आपकी कोई व्यापारिक साझेदार है, पार्टनर, तो उनको भी आप कलम, पुष्प या बुके वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई खूबसूरत फोटो फ्रेम यादगार के लिए दे सकते हैं। जो भी आप फोटो फ्रेम दे उसमें हंसता मुस्कुराता कोई फोटो लगाकर आपने देना चाहिए। इससे आपके साझेदार पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशन है वो और भी स्मूथ हो जाएंगे। दोस्तों इस दिन खाने में पीली वस्तुओं का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। मेवे युक्त पीले मीठे चावल का भगवान को भोग लगाकर इसे सपरिवार खाना चाहिए दोस्तों। और इस दिन अपने घर के बड़े लोगों, परिचितों, गुरुजनों के पैर अवश्य ही छूने चाहिए दोस्तों। साथ ही इस दिन घर के सभी लोग, जान पहचान जो भी आपको बड़े मिले, उनके सबको अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि वो सभी हमारे गुरु हैं। और उनके पास जाकर अभिवादन करें और फिर उन्हें कोई उपहार भी अवश्य ही आपने भेंट करनी चाहिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। और सच्चे मन से बताएं कि आपके लिए वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे माँ सरस्वती की कृपा मिले ही साथ ही आपको यश, कीर्ति और सम्मान भी मिलेगा। साथ दोस्तों इस दिन आपने कुछ चीजें जिनका ख्याल रखना है। इस दिन आपने काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहने, हो सके तो पीले वस्त्र पहने, नहीं तो आप सफेद रंग के लाइट कलर के कपड़े पहने, लेकिन काले कलर के कपड़ों को आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और साथ दोस्तों इस दिन नॉनवेज, मांस, मदिरा, जो भी कुछ नशीली चीज़ें, उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस दिन पूजा करने के बाद स्नान आदि कर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और दोस्तों ये दिन जो है वो वाणी की देवी का दिन है।
इसलिए दोस्तों भूल कर भी किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन दोस्तों सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए। दोस्तों जब भी किसी से झगड़ा लड़ाई होती है उसके पीछे शब्द ही होते हैं, अगर ये शब्द हट जाए तो लड़ाई भी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में अगर आप चाहते हैं कभी भी किसी से आपकी शत्रुता ना हो तो सबसे पहली चीज जरूरी है वाणी पे नियंत्रण। दोस्तों बसंत पंचमी में कलह जब होता है तो इसे सबसे ज्यादा कष्ट जो है वो पितृगणों को होता है। इसलिए भूल कर भी दोस्तों इस दिन या किसी भी दिन घर में कलह ना होने दें, लड़ाई झगड़ा ना होने दें, क्योंकि इससे पितृगणों की आत्माओं को बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। और दोस्तों इस दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन नहा धोकर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके के बाद ही आपने कुछ खाना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिन भूल कर भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हरे पेड़ जो होते हैं वो किसी भी दिन नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारा जीवन है। इसलिए दोस्तों आपने ये ध्यान रखना चाहिए, इस दिन आपने जरूर से एक पेड़ जो है वो अवश्य ही लगाना चाहिए और संकल्प लेकर उसका पालन करना चाहिए और उसे जल देकर बड़े होने तक उसका पूरा केयर करने का आपने संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमेशा की तरह लिखिएगा जय माँ सरस्वती। दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में कुछ अच्छा करें या ना करें लेकिन बुराई से हमेशा दूर रहें।